सोसाइटी में मैं आप के सक्सेना आपके साथ आई बजलाते हैं दौसा जिले की। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा में रात्रि में जन सुनवाई चौपाल में सीमा ज्ञान का मुद्दा छाया रहा। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवाड़ा की ग्राम पंचायत बदरखा में एसडीएम सरिता मल्होत्रा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल जन सुनवाई का आयोजन रखा गया। जन सुनवाई के दौरान कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचने से लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सका है। ग्राम पंचायत बदरखा में जन सुनवाई के दौरान आम रास्ते के सीमा ज्ञान को लेकर मुद्दा छाया रहा। बदरखा बैरवा ढाणी से सेकिया ढाणी में, डाबरिया बैरवा ढाणी से खुमारों की ढाणी में आम रास्ता नहीं होने से वहां के लोग परेशान बने हुए हैं। वहीं पेयजल समस्या को भी लेकर के सीतापुरा, केला का बांस, चकाबैपुरा, रामपुरा कला और कवरपुरा के लोग एसडीएम से गुहार लगाते रहे। प्रधानाचार्य दिनेश मिश्रा ने खेल मैदान के सीमा ज्ञान की मांग की। वहीं एसडीएम सरिता मल्होत्रा ने तहसीलदार धन्नालाल बैरवा को सीमा ज्ञान के लिए निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी सलीता मल्होत्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जुड़वाएं, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। उपखंड अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि शादी ब्याह में सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। वहीं उपखंड अधिकारी सलीता मल्होत्रा ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान विकास अधिकारी, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग व रसद विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान तहसीलदार धन्नालाल बैरवा, सरपंच हरसहाय मीना, प्रधानाचार्य दिनेश मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, जीएनएम आनंद कुमार शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। इस खबर पर सत्ताई देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।